गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे इज नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 17 तक प्रीवियस वीडियो क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट ट्रीटमेंट विल बी टेकन फॉर हायर एसिडिटी ऑब्टेन इन आवर स्टमक। अपने स्टमक में क्या हो जाती है, हायर एसिडिटी हो जाती है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या ट्रीटमेंट यूज करते हैं अपन, एंट एसिड यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंट एसिड के फॉर्म में कौन सा यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका फॉर्मूला है MgOH2, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये आपको राइट कर लेना, आप चाहें तो इसके लिए नोट्स में जो डेफिनेशन राइट करवाई थी ये भी आप कंप्लीट राइट कर सकते हैं, रिएक्शंस भी आप इसमें राइट कर सकते हैं जो मैंने स्टमक एसिडिटी के लिए राइट करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नेम टू साल्ट्स ऑफ सोडियम। सोडियम के टू साल्ट आपको राइट करना है जहाँ सोडियम अटैच है। टू ही पूछे हैं, जैसे अपने बुक में NaCl के बारे में दे रखा है, सोडियम क्लोराइड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप 4K4 राइट कर लें, आपसे टू ही पूछे हैं और लर्न करेंगे, राइट करेंगे जब आप टू इनमें से कोई से भी राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन द बेस अकॉर्डिंग टू लुईस। लुईस के अकॉर्डिंग आपको बेस बताना है, जो लुईस कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के लिए ये कहता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव आयन को यदि जो डोनेट करता है वो लुईस के अकॉर्डिंग क्या है, लुईस बेस है। ठीक है, या अपन दूसरे वे में ऐसे भी कह सकते हैं, जिनके ऑक्टेट हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके ऑक्टेट क्या हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं, उनको भी क्या कह सकते हैं अपन, लुईस बेस कह सकते हैं। ये मैंने आपको डेफिनेशन इसकी करवाई थी, लुईस कॉन्सेप्ट, उसमें से आपको राइट करनी है, आप चाहें तो रिएक्शंस भी राइट कर सकते हैं, लेकिन वेरी शॉर्ट है तो आपको जितना पूछा गया उतना ही राइट करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन की आपको डेफिनेशन राइट करनी है, सपोनिफिकेशन जिसमें सोप फॉर्मेशन होता है, ये भी मैंने आपको नोट्स में करवाई थी। सपोनिफिकेशन, दीज आर ऑब्टेंड बाय हीटिंग ऑफ फैटी एसिड विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, दीज रिएक्शन कॉल्ड सपोनिफिकेशन। ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन थी, ये दोनों रिएक्शन आप राइट कर सकते हैं या कोई सी एक आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, NaOH वाली कर लें, आपके पास टाइम है, सेम ही रिएक्शन है, तो दोनों में से आप दोनों भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट की कैरेक्टरिस्टिक आपको राइट करनी है, इसमें मैंने आपको नोट्स में डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट करवाए थे। तो डिटर्जेंट के ये जो सारे 10 पॉइंट्स है, ये आप कैरेक्टरिस्टिक में एरो लगा के आप राइट कर सकते हैं डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग दैट इज कंटेंट मेड ऑफ सोडियम सल्फोनेट, ठीक है, SO3Na, कैन परफॉर्म बेटर देन सोप अंडर सर्टेन कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, दे हैव SO3Na ग्रुप, ठीक है, दे वर्क विल विथ हार्ड वाटर, एसिडिक वाटर एंड सेलाइन सॉल्टेड या मैराइन वाटर, ओके, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे वर्क विल वुलन गारमेंट्स वेल विथ वुलन गारमेंट्स, दे डू नॉट कोज इरेशन टू स्किन, दे डिजोल्व फास्टर इन वाटर, दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लीनाइजिंग एक्शन। ऐसे करके 10 पॉइंट्स मैंने आपको राइट कराए थे, तो ये 10 पॉइंट्स आप इसमें एरो बना के राइट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच कंपाउंड इज यूज इन प्लास्टर ऑन ब्रोकन बोन्स। कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है जब किसी जगह फ्रैक्चर हो जाता है, ब्रोकन बोन्स, बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है तो उस पर प्लास्टर किया जाता है, वो यूज किया जाता है POP, इसको क्या कहते हैं, CaSO4½H2O, CaSO4½H2O होता है, और इसका जो नेम है POP है, जिसको क्या कहते हैं, हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट POP, ये यूज किया जाता है, और इसको जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो एक हार्ड जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है CaSO4.2H2O, ठीक है, जो कि एक तरह से हेल्प करता है फ्रैक्चर को जल्दी रिकवर करने में, ताकि जो फ्रैक्चर पार्ट है उसमें क्या ना हो, मूवमेंट ना हो, ठीक है, उसको वो क्या रखता है, एक फिक्स्ड पोजीशन में रहता है, जिससे जो फ्रैक्चर पार्ट है जल्दी क्या करता है, रिकवर करता है, फास्ट स्पीड से अटैच हो जाता है। तो आपको ये राइट कर लेना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24,
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए सोडियम इज 1×10⁻⁴ ग्राम मोल लीटर। डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, आपको उस सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1×10⁻⁴ ग्राम मोल लीटर दे रखी है। स्टेट द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और बेसिक, तो आपको ये बताना है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की क्या है ये कंसंट्रेशन है 1×10⁻⁴। तो इसमें जो राइट करना है आपको ये आंसर राइट कर लेना है इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अपने को पता है पीएच जो इक्वल होती है माइनस लोगोरिदम हाइड्रोजन आयन्स के इक्वल है, ठीक है। तो पीएच माइनस लॉग 10 एच प्लस राइट करेंगे आप यहाँ पे, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 1×10⁻⁴, तो एच प्लस की जगह राइट कर लेंगे, ठीक है। ये लॉग क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, लॉग 10 हो जाएगा, और जो पीएच होती है पॉजिटिव 4, ये किसकी होती है, सॉल्यूशन पीएच ऑफ एसिडिक, क्योंकि पीएच में जो 4 क्या है एसिडिक पार्ट में है, ठीक है, 4 पीएच स्केल में। तो अपन कह सकते हैं सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, तो ये आप इसमें ये राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन शॉर्ट। राइट द नेम एंड यूज ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड टू स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसकी पीएच 0.3 थी, इसके अलावा नाइट्रिक एसिड भी कर सकते हैं आप, HNO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी कर सकते हैं। अब इनके यूजेज आपको राइट करना है, जो काफ़ी सारे यूजेज होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इनका यूज होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो एसिडिक होते हैं यूरिया वगैरह नेचर में, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स। दो बेसिक यूज आप राइट कर सकते हैं, लेबोरेटरी में और फैक्ट्रीज में इनका यूज होता है, इसके अलावा बैटरीज में भी इसका यूज होता है, कार बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरीज में भी एसिड का यूज होता है, इसके अलावा मेडिसिन में भी इनका लार्ज स्केल पे यूज होता है, तो एसिड हो गए, ठीक है। ऐसे टू स्ट्रॉन्ग बेस के नेम और यूजेज राइट करना है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है NaOH जिसकी पीएच कितनी होती है 14 होती है, इसके अलावा आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें राइट कर सकते हैं। तो जो ये तो हो गए इनके केमिकल फॉर्मूला और नेम, बाकी यूजेस देखें तो बेसिकली दो यूज तो आप कॉमन राइट करेंगे, लेबोरेटरी में भी यूज होता है और फैक्ट्रीज में भी इनका लार्ज स्केल पे यूज होता है, इसके अलावा इनका एंट एसिडिटी में भी यूज होता है, एंट एसिड के फॉर्म में, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज, इसका भी एंट एसिड के फॉर्म में यूज किया जाता है जब फार्मर सॉइल के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब यूरिया से सॉइल का नेचर एसिडिक हो जाता है। इसके अलावा स्टमक एसिडिटी को न्यूट्रल करने में किया जाता है, तो इस टाइप से आप काफ़ी सारे यूजेज आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉप एंड डिटर्जेंट। सॉप और डिटर्जेंट के बिटवीन मैंने 10 डिफरेंस आपको राइट कराए थे नोट्स में, तो वो एज इट इज आपको राइट कर देना है। ये 10 डिफरेंस मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, ठीक है, सॉप एंड डिटर्जेंट में, तो इस टाइप से ये 10 डिफरेंस आपको इसमें नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस। इसमें अरेनियस कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट आपको राइट कर देना, अरेनियस कॉन्सेप्ट, जो कि अरेनियस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं वो तो एसिड्स हैं, ठीक है, और जो OH माइनस आयन डोनेट करते हैं वो क्या है, बेस है। तो ये कंप्लीट अरेनियस कॉन्सेप्ट मैंने आपको नोट्स में भी करवाया था, अरेनियस कॉन्सेप्ट एसिड के रिगार्डिंग H प्लस आयन, इसमें रिएक्शंस आप राइट करेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड अरेनियस। ऐसे बेस अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस वो होते हैं जो OH माइनस आयन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, रिएक्शंस स्ट्रॉन्ग बेस अरेनियस के अकॉर्डिंग और वीक बेस, तो ये आपको कंप्लीट राइट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।